एक साल मेरे साथ काम करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इंसान 7 साल डेवलप होता है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? बिकॉज वन, वी आर अ ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। जिंदगी भर पिछले 33 साल में मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का ही काम किया है। 1985 से लेकर 2017 को 33 साल हो गए, कॉन्स्टेंटली हमने ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम किया। और अगर हमारा कोर वैल्यूज़ को देखेंगे, एंड दैट इज़ डिमांडिंग एक्सेलेंस, चैलेंजिंग द स्टेटस को, इन चीज़ों को मैं ज़िंदगी भर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा हूँ और यही हमारा कंपनी का अभी DNA बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी जब आता है तो हम लोग उसके सक्सेस पेंटागॉन के ऊपर काम करते, और पेंटागॉन का मतलब है फाइव पोर्शंस ऑफ द पेंटागॉन। वन इज़ द नॉलेज, वन इज़ एटीट्यूड, वन इज़ स्किल्स, वन इज़ हैबिट्स, वन इज़ स्ट्रैटेजीज। तो हम लोग जैसे एक इंसान आता है उसके नॉलेज के ऊपर काम करने चालू कर देते, इंडस्ट्री का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, लाइफ का नॉलेज एंड कॉम्पिटिशन का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, उसका नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। इस नॉलेज को बढ़ाने की वजह से उसके एटीट्यूड में काफ़ी फर्क आ जाता है और चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आदमी का नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे उसका एटीट्यूड बदलता है। और उसके बाद हम लोग डेवलप करते हैं उसका स्किल्स, उसका सेलिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। ये स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करने को चालू कर देते हैं और हम उसके आदतों के ऊपर काम करते हैं, हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं और उसके स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं। इस तरह का इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क एक बड़े कंपनी में अगर आप काम करने जाओगे तो आपको वो एक बड़ा कंपनी का एक बड़ा डिवीजन का एक छोटा, वो बड़ा डिवीजन का एक छोटे पार्ट का छोटे पार्ट के छोटे पार्ट के अंदर काम करना पड़ता है। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपको इंटेंस डेवलपमेंट करना पड़ता है, और इस इंटेंस डेवलपमेंट की वजह से जो आप दूसरे कंपनियों में 5 से 7 साल में पाने वाले थे, अगर आप द चेयरमैन्स ऑफिस में काम करेंगे यानी मेरे ऑफिस में, तो 1 year = 7 years उतना एक्सपोजर आपको मिलता है और इतना हम लोग काम आपके ऊपर करते हैं। और अदरवाइज स्मार्ट में अगर आप करेंगे काम तो 1 year = 3 years, ये मैं हमेशा मानता रहा हूँ, बिकॉज आपको इन वन ईयर के अंदर इस तरह का इंटेंस इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इस तरह से इंटेंस नॉलेज दिया जाएगा, इस तरह का इंटेंस पुश दिया जाएगा, क्योंकि आप यंग रहेंगे और आपको सडनली हम लोग डाल देंगे एंटरप्रेन्योर्स के सामने और आपको सभी टाइप का एजुकेशन देंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स के चैलेंजेस को हैंडल करना है। इसके वजह से कहते हैं कि जब एक यंग उम्र में एक आदमी को भट्टी में डाल दिया जाए तो वो तब के निकलता है, यही होता है स्मार्ट का। स्मार्ट के अंदर, स्मार्ट एक DNA ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, स्मार्ट एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, वो एक सोच है, वो एक साधारण कंपनी नहीं है जहाँ पर आप 9 to 5 नौकरी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप आते हैं अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन द मोमेंट आप एंट्री मारते वैसे ही चालू हो जाता है, और इसीलिए 1 year = 3 years इफ़ यू आर इन एनी डिपार्टमेंट, बट इफ़ यू वर्क विद द चेयरमैन ऑफिस 1 year = 7 years, ऐसा हमारा मानना है।